कैसे हैं आप सब उम्मीद है खैरियत से होंगे मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ तो यहाँ पे शादी की थकन उतरी नहीं थी कि दावतों का सिलसिला स्टार्ट हो गया माशाल्लाह घर पूरा फैला हुआ था उसको समेटना था और उसके बाद दावत की प्रिपरेशन करनी थी तो फलीमे के पहले हफ्ते ही मैंने दावत रखी थी ये दही मैंने घर में जमा लिया था और यहाँ पर मैं बना रही हूँ कोयला कढ़ाई बीफ कोयला कढ़ाई बनाऊँगी मैं दम का कीमा बनाऊँगी क्रीमी कोफ्ते हैं और साथ में चिकन का पुलाव जो कि हमेशा से मैं बनाती ही हूँ जिसको जो सब को पसंद आता है मेरे हाथ का वो ही जो है वो मैं बनाऊंगी और उसके साथ रशियन सैलड होगी तो ये सारी चीज़ें मैं बनाऊंगी और आपके साथ शेयर कर दी जाऊँगी एक दिन पहले से मैंने सब चीज़ें स्टार्ट कर दी थी और यहाँ मैरिनेशन चल रही है चिकन की मैरिनेशन जो है मैं करूंगी क्योंकि जब भी मैं पुलाव बनाती हूँ तो एक दिन पहले मैरिनेट करती हूँ और ये दही माशाला से आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त जमा है तो यहाँ पर मैं दही जो है वो घर में ही जमा के तकरीबन तीन किलो के करीब दही मैंने घर में ही जमा के रखा था और इस तरह से शॉपर में कर लेती हूँ तो ईजी रहता है फ्रिज में जगह भी बनी रहती है और एक दिन पहले जो है वो अम्मी अबू के एनिवर्सरी थी यानी कि मेरी सास ससुर की एनिवर्सरी थी तो उन्होंने जो है वो खाना दिया था साथ में तो बस नाश्ते में जो है वही मैंने निकाला था तो यहाँ पर इन्होंने हरी मिर्च कीमा दिया था साथ में पराठे बनाए थे तो ये सारी चीज़ें जो है मैं बस गर्म करूँगी और हम नाश्ता करेंगे उसके बाद मैं खाने की तैयारी पर लग जाऊँगी तो जी सबसे पहले मैं कीमे की प्रिपरेशन कर रही हूँ यहाँ पे मैंने जो है कीमे को मैरिनेट करके रख दिया था सारे मसाले लगा कर और अब जो है मैं थोड़ी सी प्याज ब्राउन कर रही हूँ आप चाहें तो प्याज ब्राउन करके कीमे में भी ऐड कर सकते हैं मैं डायरेक्टली कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा थी बनाने के लिए कोयला कढ़ाई मैंने एक दिन पहले ही तैयार करके रख दी थी और कीमा भी मैरिनेट करके रख दिया था बस मैंने प्याज ब्राउन करी है उसमें जो है डायरेक्ट कीमा डाल दूँगी क्योंकि कीमे के अंदर मैंने अदरक लहसन जो है वो डाला हुआ था अब अच्छी तरह से हम कीमे को भून लेंगे और पहले तो हम इसे गला लेंगे मैंने थोड़ा सा क्वान्टिटी मैं में मैंने इसमें पानी ऐड किया था और उसके बाद जो है मैं इसे लिड लगा के रख दूँगी अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कीमा माशाल्लाह भुनने पर आ गया था और सेकंड स्टेप में मैं बना रही हूँ क्रीमी कोफ्ते क्रीमी कोफ्ते की तैयारी यहाँ पे साथ साथ चल रही है फुल रेसिपी इसकी मैं आपके साथ शेयर करूँगी अलग से क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और बहुत ही मज़े के बनते हैं क्रीमी कोफ्ते आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा बेसिक इंग्रेडिएंट इसके जो है वो प्याज होते हैं और साथ में जो है बादाम आपके पास होना चाहिए बादाम से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है अगर काजू ऐड करेंगे तो उससे तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा तो ये बेसिक इंग्रेडिएंट है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी और यहाँ पर जो है बस मेरे कोफ्ते मैंने फ्राई करके डाले थे इसके अंदर और बस थोड़ा सा जो है वो मैं इसे थोड़ा ढीला रखूँगी यानी कि थोड़ा पानी ऐड किया है उसके बाद इसमें जो है मैं उसको दम दे दूँगी ताकि कोफ्ते जो है मेरे अच्छी तरह से गल जाएँ कच्चे ना रहें और बहुत मज़े के बने थे सॉफ्ट बने थे यहाँ पे जो है मैं तेज़पात के जो पत्ते हैं वो निकाल रही हूँ इसमें से क्योंकि फिर वो मज़ा नहीं आता अच्छे से इसके अंदर जो तेज़पात का टेस्ट था वो आ चुका था उसके बाद मैं तेज़पात के पत्ते इसमें से निकाल दूँगी सेपरेट कर दूँगी तो दावतों में समझ में नहीं आता कि भाई क्या बनाए तो मैंने सोचा कुछ डिफरेंट बनाते हैं तो यहाँ पे मैंने क्रीमी कोफ्ते रखे थे क्योंकि इसमें ये होता है कि टेस्ट बहुत अच्छा होता है और दूसरा जो है इसमें स्पाइसेस जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं लाइट स्पाइसेस होते हैं क्रीम डलती है तो बहुत टेस्टी अच्छा सा अलग सा फ्लेवर होता है तो मैंने सोचा कोयला कढ़ाई के साथ इसका कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा एक जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है तो एक थोड़ा सा लाइट हो जाएगा टेस्ट में और दम का कीमा मैंने एज अ साइड डिश रखी थी दम का कीमे के जो है वो मेरा इरादा नहीं था बट एकदम से बस मैंने सोचा कि चलो बना लेते हैं अब यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे ये हो गई थी कि मैंने क्रीम डायरेक्टली ऐड कर दी थी आपने इसको पहले विस्क करना है अच्छे से चमचे से फेंट लें या विस्कर है तो उससे फेंट लें और उसके बाद ये जाके एकदम से स्टक हो गई थी देर इतनी हो रही थी मुझे और मुझे जल्दी जल्दी तैयारी करनी थी तो यहाँ पर पहले आप अच्छे से क्रीम को फेंटेंगे इसको सॉफ़्ट करेंगे इसका टेक्सचर जैसे ही सॉफ्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है क्रीम डालने के बाद फ़ौर जो है आपके जो कोफ्ते की ग्रेवी है वो गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी तो उसको जो है वो लो फ्लेम पर रख कर आप थोड़ा सा कुक करेंगे तो जब हमारे कोफ्ते अच्छी तरह से रेडी हो जाएंगे तो उसके अंदर फिर हम कसूरी मेथी का फ्लेवर ऐड करेंगे यानी कि कसूरी मेथी ऐड करेंगे उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है चाहे हांडी हो कोफ्ते हो या कढ़ाई हो कढ़ाई में भी आप इस पर कसूरी मेथी ऐड कर सकते हैं बट मैं कढ़ाई में कसूरी मेथी नहीं ऐड करती हूँ मैं इस तरह की डिशेज़ में जो क्रीमी क्रीम वाली डिशेज़ होती हैं जैसे कि कोयला कढ़ा क्रीमी कोफ्ते हो गए और उसके अलावा हांडी वगैरह हो गई या वाइट कोरमा हो गया इस तरह की चीज़ों में मुझे कसूरी मेथी अच्छी लगती है तो बस यहाँ पर जो है मैंने बलाई ऐड कर दी थी अब इसको लो फ्लेम पे मैं कुक करूँगी थोड़ा अच्छा गाढ़ा जो है वो उसका टेक्सचर हो जाएगा जब तक हम इसको कुक करेंगे और उसके बाद हम इसमें कोयले की धुनी दे देंगे कोयले की धुनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं देनी है हमें लाइट सी देनी है तो बस यहाँ पर मैं कोयले की धुनी दूँगी एंड में इसकी फुल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी ज़रूर ट्राई कीजिएगा बहुत डिलीशियस बनते हैं टेस्ट इसका बहुत अच्छा होता है और खाने में भी बहुत अलग सा फ्लेवर होता है तो ज़रूर ट्राई करिएगा अच्छा जी यहाँ पर जो है मैंने कोयला कड़ा एक दिन पहले रेडी करके रख दी थी तो अब मैं इसको अच्छी तरह से गर्म करूँगी और कोयले की धुनी मुझे इस पर देनी है तो बस वही मैं करूँगी और अच्छी तरह से गर्म होने के बाद फिर मैं इसमें कोयले की धुनी दे दूँगी और साथ ही साथ इसके अंदर अदरक ऐड करना था लीम ऐड करना था मुझे हरा धनिया ऐड करना था ये सारी चीज़ें भी ऐड करके मुझे थोड़ा सा इसे कुक करना था यानी कि आप कह सकते हैं दम पे रखना था तो मैं ये सब भी कर लूँगी अभी ही क्योंकि आज दावत है दावत का दिन आज है और जल्दी जल्दी तैयारी कर रही थी मैं तो बस यहाँ पर जो है मैंने अदरक वगैरह ऐड कर दिया था लीम का रस जो है वो ऐड करेंगे आप लाजमी उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है कढ़ाई का और साथ में जो है वो हरा धनिया मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा मैं हरा धनिया जो है वो लास्ट में भी जब सर्व करूँगी उस टाइम भी ऐड करूँगी तो अब यहाँ पर जो है खाने मेरे तकरीबन तैयार हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान सब आ गए थे अल्लाह का शुक्र है और दस्तरखान जो है मेरा बिछ चुका था अब यहाँ सर्विंग हो रही थी तो बस अब मैं सर्व अच्छा पर यहाँ पर जो है मैं कीमा हांडी में निकाल रही हूँ एक्चुअली पहले जो है मेरा इरादा था हांडी बनाने का बट फिर उसके बाद वो मैंने आ, डिले कर दिया <laughs> मैंने बोला कि चलो छोड़ो बाद में बनाएंगे देख सकते हैं आप क्रीम गुफनों का लुक बहुत ही अच्छा आया था और खाने में भी बहुत ही मजे के थे तो बस यहाँ पर जो है ये रेडी हो चुका था कीमा निकल चुका था कढ़ाई मैंने पहले ही निकाल दी थी और अब बस पुलाव की बारी है तो बस पुलाव निकालूंगी और सर्व करूंगी बस आप सब दुआ करिएगा लबा इसी तरह हम सब का दस्तरखान जो है वो हरा भरा रखे और सब के खानों में जो है वो बरकत हो माशाल्लाह से खाना खिलाने से ला और देता है तो बस यहाँ पर जो है वो सर्विंग हो चुकी थी सैलड वग़ैरह बन चुका था इधर जो है मैं निकाल रही थी पुलाव पुलाव आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है और गैस का बहुत इशू है बहुत ज़्यादा है कराची में तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि समटाइम्स दिन में प्रॉब्लम करती है मुझे पहले जो है वो दिन में बहुत मसला कर रही थी लेकिन अलमदुल्ला अब इतना मसला नहीं, नहीं पहले मेरी दो चूल्हों ने जवाब दे दिया था तो एक ही चूल्हे पे मैंने सारा खाना तैयार किया था और जब सबने खाया और तारीफ करी तो मेरी पूरी मेहनत वसूल हो गई अलहमदिल्ला मेरे हस्बैंड को भी खाना बहुत पसंद आया तो जब इनको खाना पसंद आ जाता है तो उसका मतलब है मैं बहुत खुश हो जाती हूँ और मेरी पूरी मेहनत वसूल हो जाती है तो बस यहाँ पर सब ने खाना खाया था और उसके बाद मीठा मैंने नहीं बनाया था मीठे में आइस म थी जो कि मेरी बहन लेकर आई थी और उसके बाद मैंने बिस्मा को गिफ्ट्स दिए थे अफान को गिफ्ट दिए थे और यहीं तक की आज की वीडियो अपना ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़